शुभकामनाएं, और आप सब लोगों के लिए हनुमान जी महाराज का यह प्रगटोत्सव जन्मोत्सव बहुत ही शुभ हो, आनंदकारी हो। तो आज हनुमंत लाल जी महाराज के इस प्रगटोत्सव पर, प्राकट्य उत्सव पर बड़े प्रेम से हम लोग आज यहाँ हनुमान जी महाराज की चर्चा करने बैठे, लेकिन उससे पहले बड़े प्रेम से तीन बार भगवान नाम का स्मरण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भोले बाबा मन कामेश्वर नाथ की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आज चैत्र शुक्ल पक्ष, और इस चैत्र शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा, और पूर्णिमा तिथि पर श्री भगवान श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं, और हनुमान जी महाराज जो प्रकट हुए हैं, हनुमान जी महाराज के प्रकट होने के पीछे उद्देश्य है। जरा विचार करिए, हनुमंत लाल जी महाराज के प्रकट होने में उद्देश्य है, और वह उद्देश्य एक कहीं ना कहीं एक सार्थकता हनुमंत लाल जी महाराज के प्रकट होने के कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। हनुमंत लाल जी महाराज का प्राकट्य सुमेरु पर्वत पर हुआ, और सुमेरु पर्वत पर उनकी माता का नाम था अंजनी। इसको बंद करो, उधर लगाओ, उधर उधर लगाओ, या अंदर लगा दो बेटा, अंदर से आवाज आती है। सबसे प्रमुख बात है कि हनुमंत लाल जी महाराज के जीवन के कई सारे प्रसंग, कई सारे हनुमान जी महाराज का व्यक्तित्व केवल हम यही जानते हैं कि हनुमान जी महाराज राम जी के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी महाराज महावीर हैं, वीर नहीं अभी तो महावीर हैं, इनका नाम है, संबोधन है महावीर। हनुमान जी महाराज के बारे में आज हम जानते क्या क्या, जरा विचार करें। हनुमान जी महाराज जो है महावीर है, हनुमान जी महाराज भगवान राम के अनन्य सेवक है, हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, हनुमान जी महाराज ने और क्या क्या किया भाई, जरा विचार करें। लंका युद्ध किया, सुग्रीव को राम जी तुम उपकार, सुग्रीव वही कीना राम मिलाए, राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। ये जो हनुमान चालीसा है, ये हनुमान चालीसा श्री हनुमंत लाल जी के विषय में पूर्णतया एक ऐसा, एक उनकी खूबियां, एक उनके व्यक्तित्व का उभार करती हुई, उजागर करती हुई हनुमंत लाल जी महाराज। वस्तुता देखा जाए तो हनुमंत लाल जी का यह पूरा श्री हनुमान चालीसा रहेगा, किसी भी हमारे अगर उस रूप में देखा जाए तो हनुमंत लाल जी हमारे हनुमान जी महाराज ने सबसे कई ऐसे जगहों पर कई सारे ऐसे कार्य करे, जब जहां पर आकर के हर व्यक्ति ने आशा छोड़ दी कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उस समय हनुमान जी महाराज आए। इस समय तो रामायण चल रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि हनुमान जी महाराज का क्या चरित्र है, लेकिन हनुमान जी महाराज केवल महावीर नहीं थे, केवल भगवान राम के भक्त नहीं थे, हनुमान जी महाराज केवल राम के उपासक नहीं थे, अपितु हनुमान जी महाराज बहुत ही उच्च कोटि के कवि थे। क्या आप लोग जानते हैं हनुमंत लाल जी महाराज ने एक काव्य लिखा जिसका नाम था
हनुमत हनुमंत ना हनुमत नाटक ऐसा लिखा हनुमान जी महाराज, एक महाकाव्य लिखा। और उसी समय पर श्री देखिए वाल्मीकि जी महाराज ने जब उस काव्य को देखा, ऐसा ग्रंथ लिखा कि उस ग्रंथ को देख करके हनुमंत नाटक। और जब उस ग्रंथ को देखा, उसको देख करके वाल्मीकि जी महाराज बड़े व्यथित हो गए। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने उस समय पर ये विचार करके व्यथित क्यों हुए, परेशान क्यों हो गए, चिंतित क्यों हो गए, तो बोले हनुमान जी महाराज ने लिखा। और हनुमान जी महाराज ने जब ये नाटक जो लिखा, ये काव्य लिखा, तो इनके काव्य के सामने मेरे काव्य की श्रीमद वाल्मीकि रामायण की क्या योग्यता रह जाएगी, चिंतित हो गए। पढ़ करके देख करके हनुमान जी महाराज ने तो उनको दिखाया, दर्शन कराया, प्रभु आप हमारे इस को देखिए जो हमने लिखा है। तो बोले महाराज बहुत से बोले क्या बात हो गई, क्यों चिंतित है आप? शायद मुझे लगता है आप लोग में से आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे कि हनुमान जी महाराज बड़े उच्च कोटि के कवि। हनुमान जी महाराज ने जब चिंतित देखा श्रीमद जो है श्री वाल्मीकि जी महाराज को, तो वाल्मीकि जी महाराज को चिंतित देख करके उन्होंने पूछा क्या हुआ प्रभु, आप चिंतित क्यों है महर्षि? अरे बोले क्या बताएं हनुमान जी, हमने भी एक ग्रंथ लिखा है, ये रामायण लिखी है हमने, लेकिन अब आपके ग्रंथ को देख करके लगता है कि अब हमारे ग्रंथ की कोई भी उपयोगिता नहीं होगी, इस कारण से थोड़ा सा आप चिंताग्रस्त हैं। नहीं वैसे आपका ग्रंथ बहुत सुंदर है। हनुमंत लाल जी महाराज ने जैसे ये सुना, बोले बस इतनी सी बात है, लीजिए, उन्होंने अपना ग्रंथ समुद्र के अंदर विसर्जन कर दिया, विसर्जन ही कर दिया। राम के गुणों का गुणगान करने आए हनुमान जी महाराज, तो अपने नाखूनों से पर्वत के ऊपर, पर्वतों की विंध्याचल पर्वत के श्रृंखलाओं के ऊपर अपने नाखूनों से हनुमान जी महाराज ने राम जी के गुणगान किया। हनुमान जी महाराज कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, हनुमान जी महाराज के ऊपर साक्षात ये कहा जाता है एकादश मंत्र है कपाल जो है उसमें शिशु महापुराण के अंतर्गत में कहा गया है कि हनुमान जी महाराज एकादश रुद्र है। और एकादश रुद्र कैसे है, बोले कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्ष विलोहित शास्त्र अहिर्वत्न्या शंको चंडो भवस तथा भवाय च शर्वाय च, जिसको वेद कहता है भवाय च शर्वाय च महेश्वराय शिवाय शिवतराय च, वह वेद स्वरूप में मैं भव नाम के एकादश रुद्र स्वरूप में बनकर के आए रावण का संहार करने के लिए। ना विचार अच्छा एकादशी क्यों आए, एकादश रुद्र क्यों आए, आठवें क्यों नहीं है, नौवें क्यों नहीं है, दसवें क्यों नहीं है? बोले एकादशी क्यों है, बोले क्योंकि रावण ने दस सिरों को काट करके भगवान शंकर की उपासना की, तो दसवां सर जैसे ही रावण काटने के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुआ, वैसे ही भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रफुल्ल चित्त हो गए, कहा मांगो। तो भगवान शंकर ने एक विकल्प रखा कि अगर रावण को कहीं समाप्त करना पड़े तो मेरे दस जो एक जो एकादशों में जो दस जो रुद्र है वही तो प्रसन्न है, लेकिन एकादश रुद्र कहीं ना कहीं अप्रसन्न है, तो वह एकादश स्वरूप में हनुमंत लाल जी महाराज इस धरा पर आए। अच्छा आए हैं तो ये कौन है, बोले शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन। हनुमान जी महाराज का बड़ा विकराल स्वरूप है, बड़ा महाराज। हनुमान जी महाराज की उपयोगिता अगर जाननी हो तो केवल आप सुंदरकांड पढ़िए, सुंदरकांड का ऐसा प्रभाव है कि सुंदर कांड में अच्छा ऐसा कांड जिसमें कोई काम ही सुंदर ना हुआ, जरा देखो लंका जली किसमें जली, सुंदर हो जो है सुंदर कांड में जली, लेकिन वस्तुतः इसका नाम रखा गया सुंदर कांड। इनकी माता का नाम है अंजलि, सुमेरु पर्वत पर इनका जन्म हुआ, केसरी इनके वानर पिता है। अच्छा वानर, हम लोग एक और बात कहते हैं हनुमान जी बंदर है, क्षमा कीजिए हनुमान जी बंदर नहीं है, आप लोग पहले इतिहास को खगोलिए, इतिहास जानिए।
इतिहास में, और इतिहास का पता हमको कहां से लगेगा? इतिहास का पता हमको ये जो हम जो डार्विन वाला पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, वी आर रीडिंग अबाउट द डार्विन, ना मतलब हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं वो डार्विन की पढ़ रहे हैं कि हमारे पूर्वज पहले बंदर थे, बंदर नहीं थे हमारे पूर्वज, जो कहते हैं कि पूर्वज बंदर थे तो होने के पूर्वज बंदर रहे होंगे, हमारे पूर्वज तो हम लोग सनातना, हम तो शंकराचार्य की परंपरा और उससे भी पहली परंपरा गोसाई परंपरा और गोस्वामी परंपराओं से भी हम लोग ब्रह्मा जी महाराज की परंपरा में, हम नारायण के अंश से उत्पन्न, हम बंदर नहीं थे। तो हनुमान जी महाराज वानर एक प्रजाति थी मनुष्यों में, एक ऐसी प्रजाति जो आजकल हम लोग देखते हैं रेड इंडियंस जो कि जंगलों में रहते हैं, या एक जनजाति रहती है जंगलों में रहती है, या एक जन जो पर्वतों पर श्रृंखलाएं पर्वतों की श्रृंखलाओं में जो है कहीं ना कहीं वहां पर निवास करती है, कुछ जनजाति ऐसी भी है पूरे विश्व में जो पेड़ों पर रहती है मकान बना बना, जंगलों में पेड़ों के ऊपर रहती है। गो एंड फाइंड इट आउट ऑन गूगल, आप जाइए डिस्कवरी देखिए, ऐसी ऐसी प्रजातियां जो अब उनको क्या कहोगे आप उनको जानवर कहेंगे क्या, क्या आप उनको पशु कहेंगे पक्षी कहेंगे? नहीं, वो प्रजाति अलग है, क्योंकि उनका जो फेस कट था, जो उनका मुख था वो उभरा हुआ था, ऐसा मान लो कुछ है ऐसा करके तो आप और हम लोगों ने बंदर कहे, बंदर नहीं है भगवान हमारे हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज वानर है, संस्कृत में अगर इसको हम लोग अलग अलग वा कहते हैं वह है, और नर उस प्रकार का नर है, बोले जिसकी आकृति कहीं बंदर जैसी मिलती है। अरे हमारा आप लोग नहीं कहते हैं, अरे यार तू तो बिल्कुल गधा है, गधा का मतलब वो गधा हो गया क्या है? अरे भाई वो तो अजगर जैसा, तो यार वो तो ऐसा सोच ऐसा जो है कुकर जैसा भौंकता, तो क्या वो कुकर हो गया क्या? नहीं, बल्कि वानरा अर्थात उनका मुख कहीं ना कहीं बंदर जैसा मिलता जुलता होगा। अगर आज भी हम अफ्रीका में जाएं और वहां के लोगों को अगर हम लोग देखें, जरा विचार करिए कि वह लोग कैसे हैं। हनुमान जी महाराज के बारे में आप कथाएं तो बहुत सुनेंगे कि उन्होंने क्या किया, लेकिन वास्तविकता में आप लोग पहले ये जानिए जीवन परिचय कि हनुमान जी महाराज कैसे हैं। हनुमान जी महाराज की मां का नाम है अंजनी, पिता का नाम है केसरी, और भगवान शंकर की उपासना कर रही थी अंजनी। कई सारी कल्पों की भेद की कथाएं हैं, उन कथाओं में यह भी है कि राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, और राजा दशरथ ने जब पुत्रेष्टि यज्ञ कराया तो वहां से जो है प्रसाद लेकर के वो अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव ने चरु का प्रसाद दिया और प्रसाद देकर के कहा कि अपनी रानियों में वितरण कर दो। तो जब वितरण करने की बारी आई तो उसके तीन भाग कर दिए थे, तो तीन भाग में एक कौशल्या को दिया, एक जो है केकई को दिया, एक जो है ऐसा संतों का मत है, संत मत है। लेकिन श्रीमद श्री रामचरितमानस में जब हम लोग जाएंगे तो वहां पर अलग व्यवस्था है, तो वहां पर संत मत में बड़ा सुंदर कहा गया है कि वो सुमित्रा के हाथ में एक दौना था जिसको उस दौने को लेकर के प्रसाद को लेकर कौआ उड़ गया, और वो कौए ने जाकर के वह प्रसाद अंजनी की गोद में डाल दिया, मां अंजनी की गोद में डाल दिया। अंजनी मां ने जब उस प्रसाद को पाया तो उनसे हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। ये है भगवान शंकर की उपासना कर रही है, शंकर सुमन, शंकर का आशीर्वाद है भगवान शंकर, हनुमान जी महाराज। वायुदेव इनके संरक्षित पिता है, अर्थात संरक्षण में जिनके में रहे वायुदेव, पवन पुत्र कहा जाता है, तो पवन पुत्र का अर्थ है कि ये वायुदेव इनके संरक्षित, इनको संरक्षण देने वाले पिता। सामाजिक पिता में इनके पिता का नाम है केसरी, वानर राज केसरी, बड़ा तगड़ा, बहुत बलशाली वानर। और हनुमान जी महाराज का बड़ा सुंदर आता है, सुंदर कांड में हनुमान जी कई जगहों पर पता लगता है, हनुमान जी महाराज वेश बदलने में माहिर है, हनुमान जी महाराज के अंदर
अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। बोले ये तो दिया ही था, क्यों दिया था? बोले आठों सिद्धियां नौ निधियां हनुमान जी महाराज के अंदर विद्यमान है। हनुमान जी महाराज को तो ये आशीर्वाद सीता माँ ने दिया, लेकिन उससे पहले, बोले उससे पहले हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर आता है। एक और मैं आज आपको श्री रामचरितमानस हनुमान जी महाराज का फोटो जो है, वो हनुमान जी महाराज का चित्र जो है वो राजभवन में लगा हुआ है। कहा? अयोध्या के राजभवन में हनुमान जी महाराज का फोटो लिखा, फोटो लगा हुआ है हनुमान जी महाराज का है। बोले हाँ, हनुमान जी महाराज